बट किस्मत वाला हूँ भाई, मेरे पास ऐसे भाई लोग हैं, करण भाई जैसे, श्रीमान भाई जैसे, चार्ली जैसे, मितेश भाई जैसे, जो एक सेकंड में मेरे लिए खड़े हो गया। उस चीज का दिल से इज्जत भाई, दिल से इज्जत भाई। ऐसे भाई लोग है ना किस्मत वालों को मिलते यार। मैंने बस एक फोन किया, मैंने भी फोन नहीं किया, वो तो चार्ली और मितेश भाई ने श्रीमान भाई को इन्फॉर्म कर दिया। श्रीमान भाई का कॉल आया मेरे को, मैं बोला भाई ऐसा ऐसा सीन है भाई, कर्जत से सीधा मेरे पास आ गया यार। मतलब सैल्यूट है भाई, इज्जत भाई। श्रीमान भाई रात के 2 बजे 3 बजे कुछ भी मेरे लिए कुछ काम रहेगा, बेफिक्र बताओ यार, तुम्हारा भाई चीटी निकाल गया, अम्मा बहन 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। किसी की अम्मा बहन करना है बोलो, अम्मा बहन कर देंगे, सीधा टेक्निकल गोली रेडी। मारेंगे, माँ बहन कर दूंगा, ओके, मैं टेंशन मत थोड़ा सा करो। गुस्से में हूँ फुल आज, थोड़ा इज्जत सा श्रीमान मैं भाई का, टेक्निकल फुल रेडी। इज्जत। शुरू में क्या हुआ था हिंदी में समझा दो ईशांग भाई, सीन ऐसा हुआ था भाई, मैं देखो यार शूज देख रहा था, ठीक है, वहां पे शोकेस में 4 जोड़ी जूते पड़े थे। मैं भाई को बोला था कि भाई ये चार मैं सर बोल के बोला था, मैं किसी से भी रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ। मैंने उसको बोला कि भाई सर ये 4 जूते ही है क्या? बोलता है हाँ भाई। मैं बोला मेरे को ये 2 जूते पसंद आए, मेरे को ट्राई करना है। तो उसने बोला ट्राई कर लो। मैं उसको बोला यहीं से उठा के कर लूँ? बोलता है हाँ वहीं से आप उठा के खुद ही ट्राई कर लो। मैं बोला ये अजीब है यार थोड़ा, तो बोलता है अजीब ही है। मैं बोला भाई मेरा साइज पूछो, ऐसे डायरेक्ट उठा के ट्राई करना पहली बार सुन रहा हूँ। तो बोलता है सर आपको हार थोड़ी पहनाऊंगा जूते पहनाने के लिए। उसके बाद तो जो हुआ हुआ, उसके बाद मैं भरा, मैं रॉयल इनफील्ड के हेड को कॉल किया, वहीं शोरूम में ठहरे ठहरे मेरे पास कॉन्टेक्ट थे, एक बंदा है रॉयल इनफील्ड का पहचान वाला मेरा, उसको कॉल किया। मैं उसको बोला ऐसा ऐसा हुआ, उसने पीआर टीम को कॉल किया, उस शोरूम के उसका कॉल आया, उसको समझाया। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर शोरूम का जो मैनेजर था वो मेरे पास आके बोलता है सर सॉरी। मैं बोला मैं जाने तो नहीं दूंगा भाई, आप सॉरी बोल दो कुछ बोलो। वो 10 मिनट तक है ना पूरा शोरूम उसको डिफेंड कर रहा था, बराबर 10 मिनट तक उसको पूरा शोरूम डिफेंड कर रहा था कि भाई नहीं सर ऐसे ही है हमारे यहाँ पे, खुद ही देखना होता है, कस्टमर आके खुद ही देखना होता है। मैं बोला ऐसा है, ऐसे ही है पक्का, श्योर, आर यू श्योर? फिर मैं कॉल लगाया, कॉल आया शोरूम के, उसको आया सर सॉरी। मैं बोला ना, तब तक अपने जो साथ में जो मितेश भाई थे और अपने चार्ली था, उन्होंने श्रीमान भाई को भी इन्फॉर्म कर दिया था, वो 20 मिनट में आ गए। ऐसा है मैटर सॉल्व हुआ है, ऐसा कुछ हुआ। और वो बंदा कसम बोल रहा हूँ, कसम बोल रहा हूँ, वो बंदा पता नहीं किस बात का अकड़ है उसमें, वो बंदा आंख दिखा रहा था मेरे को, मैं कसम बोल रहा हूँ मेरे को आंख दिखा रहा था बंदा, मैं आंखों से मार दिया उसको, ऐसा लग रहा था फोड़ दूं इसकी, लेजिट उत्ता गर्म था भाई। और उसमें पता नहीं किस बात का एटीट्यूड यार, रॉयल एनफील्ड का ओनर है क्या है, एम्प्लॉय है भाई, किस बात का एटीट्यूड पता नहीं, बोल के आंख दिखा रहा है भाई, अकड़ में चल रहा है पूरे शोरूम में, क्यों तो पूरा शोरूम उसको डिफेंड कर रहा है। मैं बोला तुम लोग गए भाई, वैसा मैटर हुआ। फिर वो लोग आए मराठ, मेरे को पहले तो उन लोग, मैं समझ गए बाहर का, मैं हैदराबाद ही में भर रहा हूँ, उन लोग को लग रहा है ये कुछ नहीं करेगा, बाहर से आया हैदराबाद से आया क्या ही रहेगा इसके पास कॉन्टेक्ट, बराबर उन लोगों का लग रहा है बाहर का है हैदराबाद का है, चल इसको भर देते हैं, इसके पास क्या ही कांटेक्ट रहेगा। अपने आ गए भाई, करण भाई आ गए, श्रीमान भाई आ गए, जैसे फिर चालू किए मराठी, काफ हाथ में आ गई, काफ हाथ में, फंबल कर रहे थे वो लोग बात करने, वो लोग फंबल कर रहे थे बात करने, मजाक नहीं कर रहा हूँ, व्लॉग में देखो, वो बंदा जिसके बाल नहीं है वो फंबल कर रहा था बात करने, ऐसी फटी ना भाई, क्या बोलूं तुम, ऐसे फट गए ना भाई। मतलब ये बहुत गलत लगा मेरे को, मैं डालता नहीं, देखो कसम बोलूं मैं व्लॉग में नहीं डालता। बुरी बात ये लगी कि बाहर के बंदे को देख के तुम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो ना, वो सबसे गलत बात है, बहुत गलत बात। इसके लिए मैं फिर डाला, मैं बोला जो होगा तुम्हारा नुकसान, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरी गाड़ी आ गई मैं लेके निकल गया ऐसा। अबे फट गई भाई उनकी मराठी में जब बात करने आया करण भाई, करण भाई फुल आग की गिर गिरी, हमारे रॉकी भाई, अबे मराठी में बात करने आना, गाप फट गई भाई उनकी। और सबसे पहली बात उनको रिग्रेट कब हुआ मालूम क्या, मेरे को सुना दिया ठीक है, अब नवी मुंबई की पब्लिक को मालूम है मैं उधर आया शोरूम में गाड़ी लेने, अब राडा हो गया, मैं कॉल वॉल कर रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 15-20 सब्सक्राइबर आ गए अपने बाहर, फोटो वोटो ले रहे, इनको रियलाइज हुआ अरे यार ये किसको बोल दिया भाई, ये तो फेमस बंदा निकला, इसके यार फोटो वोटो खिंचा रहे लोग। एक एम्प्लॉय सुमड़ी में अच्छा बंदा था, वो एम्प्लॉय का नाम मेरे को नहीं पता, वो जो एम्प्लॉय बोल रहा था ना कि भाई सर अपन ऊपर जाके बात करते, वो वाला एम्प्लॉय अच्छा था, वो बाहर आया, वो मेरे से बात किया, मैं उसको बोला, उसको देख के समझ गया था कि हाँ अंदर गलती है, उसको पूछा तुमको मालूम है ना अंदर क्या हुआ, बोलता है सर हाँ मेरे को मालूम है गलत हुआ, बट मैं कुछ नहीं बोल सकता सर क्यों, तो वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है।
वो बंदा जेन्यून था, वो एक्सेप्ट किया कि भाई गलत हुआ है, बाकी पूरा शोरूम डिफेंड कर रहा था। वो समझ गया ये लोग कुछ तो है, कुछ तो डेंजर है। जैसे ही चालू हुआ काम, ऐसा फंबल किया और जैसे राडा चालू हुआ, वो बंदा शोरूम में नहीं था। स्वप्निल नाम का बंदा था, वो शोरूम से ही गायब हो गया, वो था ही नहीं शोरूम में, शक्ल भी नहीं दिखाया। हाँ की गिर गिर। तो ऐसा कुछ सीन हुआ यारो, तो वो सब हुआ सो हुआ, जाने दो। और आई होप रॉयल एनफील्ड वाले भाई, तुम्हारी जो लेगेसी है, कोई भी देख रहा होगा भाई, तो अगर तुम्हारी जो लेगेसी है भाई, उसकी रेस्पेक्ट पूरी इंडिया करता है यार, बट तुम्हारे जो एम्प्लॉयज है, अम्मा बहन करते थे, उनको लगता है कि वही रॉयल एनफील्ड के ओनर है। रॉयल नाम खुद की नाम के आगे लगा रहे थे, वो बहुत गलत बात है। मैटर ऐसा हुआ, बट किस्मत वाला हूँ भाई, मेरे पास ऐसे भाई लोग हैं, करण भाई जैसे, श्रीमान भाई जैसे, चार्ली जैसे, मितेश भाई जैसे, जो एक सेकंड में मिलने खड़े हो गया। उस चीज का दिल से इज्जत भाई, दिल से इज्जत भाई। ऐसे भाई लोग है ना, किस्मत वालों को मिलते यार। मैंने बस एक फोन किया, मैंने भी फोन नहीं किया, वो तो चार्ली और मितेश भाई ने श्रीमान भाई को इन्फॉर्म कर दिया। श्रीमान भाई का कॉल आया मेरे को, मैं बोला भाई ऐसा ऐसा सीन है भाई, करजत से सीधा मेरे पास आ गया यार। मतलब सैल्यूट है भाई, इज्जत भाई। श्रीमान भाई रात के 2 बजे 3 बजे कुछ भी मेरे लिए कुछ काम रहेगा, बेफिक्र बताओ यार, तुम्हारा भाई चीटी निकाल के अम्मा बहन 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। किसी की अम्मा बहन करना है बोलो, अम्मा बहन कर देंगे, सीधा गोली मारेंगे, माँ बहन कर दूंगा। फुल इज्जत श्रीमान भाई, फुल इज्जत श्रीमान भाई के लिए, करण भाई के लिए, मितेश भाई के लिए और अपने चार्ली भाई के लिए, चार्ली भाई और मितेश भाई के लिए फुल इज्जत भाई। डब्ल्यू